परम शांति, बेहद के बच्चों को बेहद की परम शांति। अभी मैं सूक्ष्म जगत वाली आत्माओं से अगर कोई मनुष्य कनेक्शन करना चाहता है तो वो बहुत रिस्क की बात है। कोई सूक्ष्म जगत वाला कोई खुद ही अपना कनेक्शन किसी साकार मनुष्य के तन के द्वारा कनेक्शन करके उस मनुष्य तन को यूज करके कोई मैसेज देना चाहता है, सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं खुद ही, तो वो मनुष्य का तन को यूज करके वो आत्मा, सूक्ष्म जगत वाली कोई भी आत्मा उसको कनेक्शन में आके ऊपर वाला सूक्ष्म जगत का मैसेज दे सकता है। मगर जैसे कोई मनुष्य किसी को ये जो अलग अलग विधियां हैं बुलाने की विधियां हैं, कई जो भूत प्रेत ओझा बुलाते हैं, ओझा लोग हैं वो भूत प्रेतों को बुलाते हैं, किसी के शरीर में प्रवेश कराते हैं फिर बोलते हैं, तो उसमें तो कई आत्माएं, कई अलग अलग आत्माएं प्रवेश कर जाती हैं और उसमें अलग अलग आत्माएं उल्टा पुल्टा काम कर जाती हैं। अगर कोई आत्मा भोगी आत्मा प्रवेश कर जाए तो भोग भी मांगती है, कभी मुझे ये दो कभी ये दो, कभी दारू भी मांगती है, मांस भी मांगती है। कई हमने पहले प्रैक्टिकल में पहले एक वीडियो बनाया था उसमें बोला हुआ है, भूत प्रेतों के वीडियो पे बोला हुआ है, भूत प्रेत प्रवेश करके अपनी वासना की पूर्ति करती है, तो विकारी आत्माएं अपना खाना पीना मांगती रहती है। तो ऐसी विकारी आत्मा आप बुलाकर क्या करोगे? क्योंकि अगर कोई आत्मा ऊपर के लोक में चली गई है, जैसे कोई आत्मा दूसरे लोक में है, धरती से 10-20 लाख किलोमीटर ऊपर है और उसको तुम आह्वान करोगे, तो वो टच तो होगा, बहुत तुम्हारा आह्वान पावरफुल होगा तो उसको टच होगा, मगर वो नहीं आएगी। और बहुत पावर ऊपर चली गई है तो वो तो देखेगी भी नहीं नीचे वाली आत्माओं को, धरती को देखेगा ही नहीं, उसको पता है धरती पर तो ये दुख दर्द भरे हैं, इसलिए ऊपर जाने के बाद तो आत्माएं देखती भी नहीं है ना, कनेक्शन सब तोड़ देती है ऊपर से। यहाँ भूत प्रेत जो हैं इनको, ऐसी भूत प्रेत बनी हुई आत्माओं को ही कनेक्शन जोड़ के बुला सकते हैं, और अगर वो प्रवेश कर गई तो बहुत नुकसान भी कर सकती हैं, कभी वो शरीर छोड़ के ना भी जाएं, और भी आत्मा उसमें घुस जाए और भी घुस जाएं। जैसे मैंने कई बार वीडियो में बोला हुआ है कि अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय धरती पर है, अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय, तो जहाँ जहाँ भी उनके ये उनके अड्डे हैं वो वहाँ सूक्ष्म जगत की आत्माएं बहुत बैठी हुई है, बहुत बैठी हुई है। अब सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं जो अंतमतेषु गति, आत्माएं शरीर छोड़ते हुए विकारों में डूबी हुई है, कामी है, क्रोधी है, लोभी है, मोही है, अहंकारी है, तो वही अंत तक वो बचे पड़े हैं, तो वो अंत में सूक्ष्म शरीर में रहकर मल्टीप्लाई होता है, तो भूत प्रेत योनि में जाती हैं, तो किसी न किसी में प्रवेश कर जाती हैं। और ऐसी आत्माएं तुम किसी का आह्वान कर रहे हो और वो ऐसी गंदी आत्माएं प्रवेश कर गई तो बहुत मुश्किल खड़ी कर देती हैं। इसलिए सूक्ष्म जगत की आत्माएं ही अगर कोई मनुष्य के शरीर में रेज मार के या प्रवेश करा के बुलवाना चाहें तो वो सेफ्टी का साधन बन जाता है। जैसे कोई भी आत्मा, सूक्ष्म जगत की कोई भी आत्मा, कभी कभी कोई देवी की आत्मा आकर, कोई कुल देवी है, तो किसी के शरीर में प्रवेश करके सावधान करती हैं, ये ना करो ये ना करो, मगर ऐसा बहुत कम होता है। कुल देवी की आत्माएं भी आती हैं कई बार, ये कुल देवता होते हैं, कुल देवी देवता होते हैं, मगर कुल देवी देवताओं को भी प्रवेश कराकर बुलाकर कभी कुल देवी देवताओं को साइड में रहकर भूत प्रेत आ जाते हैं, क्योंकि भूत प्रेतों में नेगेटिव ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं, तो और अच्छी आत्माएं बहुत कम है धरती पर, नाक के बराबर अच्छी आत्मा है जो अच्छा काम करना चाहती हैं, दुनिया के लिए लोगों के लिए अच्छा कार्य करना चाहती हैं, ऐसी नाक के बराबर आत्मा है और इनका चलता नहीं है नेगेटिव। जैसे आज मनुष्य सृष्टि में जो हो रहा है वही जो स्थूल जगत में हो रहा है वही सूक्ष्म जगत वाले ही करा रहे हैं, आज जो भी हो रहा है चाहे थर्ड वर्ल्ड वॉर का माहौल बन रहा है तो सूक्ष्म जगत वाले ही करा रहे हैं सब, क्योंकि अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय वाले ऊपर बैठे हैं सूक्ष्म जगत में और वही स्थूल जगत में ये विनाश करवाना चाहते हैं, तो बिना आपस में लड़कर विनाश करवा देना चाहते हैं। अच्छी आत्मा है नहीं चाहती, मगर करे क्या, अच्छी आत्माएं ना के बराबर है और विनाशकारी ग्रुप बहुत बड़ी है, वह बेहिसाब आत्माएं सूक्ष्म जगत में। मैंने कई बार बोला है धरती से 500 किलोमीटर तक नेगेटिव आत्माओं के गोले में रहकर अनेक धर्म मठ संप्रदाय के गोले हैं, कभी कभी 500 से 1000 किलोमीटर में भी ऐसी आत्माएं देखी जाती है गोले में रहकर अलग अलग मठ पंथ संप्रदाय की। तो मैं समझता हूँ कि किसी स्पिरिचुअल आत्माओं को बुलाना, सूक्ष्म जगत वाली आत्माओं को बुलाना ये बहुत खतरे का खेल है, इसलिए ऐसा
एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। लोग बुलाते हैं और इसकी सजा भी खाते हैं, मगर समझते नहीं हैं। आजकल भूत प्रेतों की बहुत, भूत प्रेत निकालने वालों को बहुत ही मतलब मिसयूज कर रहे हैं, भूत प्रेत निकालने वाले। ज्ञान व्यान तो है नहीं शायद इनके पास, किसी के पास 50 भूत है, किसी के पास 1,000 है, किसी के पास 2,000 है। एक बहुत बड़े बड़े होते हैं, इनके पास लाखों भूत होते हैं। तो जिनके पास ज़्यादा भूत प्रेत होते हैं तो वो कहीं ना कहीं जाने वाली आत्माओं में तो प्रवेश कर ही जाते हैं, क्योंकि ऐसी आत्माओं, इसलिए मेरी राय है कभी किसी आत्माओं को नहीं बुलाना चाहिए, किसी भी एट एनी कॉस्ट। परमात्मा को याद करो, आत्मस्वरूप बनकर परमात्मा को याद करो, तो परमात्मा से परम लाइट मिलेगी। और आजकल तो ऑलमाइटी को याद करो, बेहद की आत्मा होगी तो बेहद का ज्ञान समझेगी, तो बेहद की आत्मा ऑलमाइटी को याद करके आत्मस्वरूप बनेगी, तो विकल विनाश करके अंत में परम शांति का वाइब्रेशन डाल के अंत में ऊँचते ऊँच परम धाम चली जाएगी। ये भूत प्रेत वाली आत्माएं, जो भूत प्रेत निकालने वाले हैं, वो कभी भी परमात्मा का परिचय नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इनको तो उनके पास तो भूत प्रेत है, एकदम थर्ड क्लास क्वालिटी की आत्मा है भूत प्रेत में, तो उनके पास जुड़ी हुई, वो क्या तुम्हारा, वो तो निकाल सकते, वो भूत प्रेत निकाल सकते हैं, मगर अपने एक निकालेंगे इन तो चार उसके पीछे और लगा देंगे ये लोग। इसलिए केवल आत्मस्वरूप बन, गीता में जो कहा है ना कि तो आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सब पापों का विनाश कर दूंगा और अंत में ऊंचे ऊंच परमधाम ले जाऊंगा। ये गीता ज्ञान है। भूत प्रेत निकालने वाले ज़्यादातर लोगों के घर ही बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि इनके साथ जो आत्माएं रहती हैं उनको भी खाना पीना, अपने विकारों को फलीभूत करना वो जानते हैं, आत्माएं भूत प्रेत की। तो वो लोगों के घर जाते हैं और अपनी विकारों की पूर्ति करते हैं, इसलिए लोगों के कईयों के घर बर्बाद हो जाते हैं, डाइवर्स हो जाते हैं, आपस में पति पत्नी से लड़ाई झगड़ा करवाते हैं, बच्चों से करवाते हैं, ये कराते हैं, और बहुत आपसी घर टूटने का कारण भी पति पत्नी का लड़ाई झगड़े का करने का 50-60-70% कारण पति पत्नी का, ये भूत प्रेत ही हैं। कई भूत प्रेत विकारों के कारण ये आपस में लड़ाई झगड़ा, पति पत्नी में बहुत लड़ाई झगड़ा कराते हैं, फिर डाइवर्स के केस हो जाते हैं। परम शांति।